हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज का ये वीडियो जो है जिसमें मैं जाऊँ सीज़न 3 से रिलेटेड है, उसी के ही अपडेट्स आप लोगों को आज के इस वीडियो पे जो है मिलेगा। सो यार, इस वीडियो के जो आप लोग के एंड तक बने रहना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस, रियांश जो है रियाज के रिलेटेड मैंने अपडेट्स दे दिया अगले वीडियो में, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जो है देख लीजिएगा। सो चलिए, इसमें मैं जो हूँ सीज़न 3 के रिलेटेड अपडेट्स देती हूँ। सो इसमें अभी न्यूज़ आ रही है कि इसमें मैं जो हूँ सीज़न 3 जो है वो अभी मतलब आने वाला है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी नहीं आने वाला। आप लोग सोचेंगे मतलब मैं बोल दे रही हूँ, मतलब सच में कन्फर्म होकर बोल रही हूँ अभी नहीं आने वाला है, मतलब एक दो महीने में तो नहीं आने वाला है यार गाइस। मतलब ऐसे बोल देना जो शो को जो है हम लॉन्च करेंगे, कल लॉन्च करेंगे, आज लॉन्च करेंगे, ऐसे कह देना अच्छी बात है। हाँ, कह दिया अच्छा बात है, बट लाना बहुत ही मुश्किल है। कहना बहुत ही आसान है, बट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ें हम सबको पता है। सो हम लोग को जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। सो अभी जो है आप लोग को पता होगा थपकी प्यार की एक शो था ना, उस शो को जो है मैं भी देखती थी, और मेरी मम्मी की तो वो फेवरेट शो ही थी, और इसमें जो भी मेरी मम्मी की फेवरेट शो थी। तो थपकी प्यार की शो जो है वो फिर से आने वाला है। सबकी प्यार की शो का सीज़न 2 आने वाला है। सो कब आएगा ये तो मुझको नहीं पता, बट आएगा। सो हमारा वो एक टाइम सबकी प्यार की शो जो है एक टाइम मोस्ट पॉपुलर शो में गिना जाता था, मोस्ट पॉपुलर शोज़ के काउंट में जो आता था। सो हमारे शो में जो भी कभी आया करता था। सो अभी फ़िलहाल तो नहीं आता है, बट आया करता था ना। सो पास्ट में सब हुआ है हमारे साथ। सो इसमें मैं जाऊँ सीज़न 3 की, अगर हम लोग इसमें मैं जाऊँ को देखेंगे, मतलब इसमें मैं जाऊँ को देखेंगे कलर रिश्ते पर, तो उसकी TRP अच्छी आएगी, और इसका जो है पूरा का पूरा फ़ायदा, पूरा का पूरा जो है असर है वो पड़ेगा कहाँ पर गए, इसमें मैं जाऊँ सीज़न 3 पर। तो इसमें मैं जाऊँ सीज़न 3 आएगा, वंश और रिद्धमा के साथ आएगा, रियांश के साथ आएगा। तो इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है कि रियांश के साथ आएगा, या फिर कुछ रंग प्यार कैसे भी शो में जो जोड़ी है उसके साथ आएगा। सो मैंने थंबनेल देके भी वीडियो बनाया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को जाके पहले वो उस वीडियो को जो है वॉच कर लो, क्योंकि वो वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके लिए बनने वाली है, क्योंकि उस वीडियो पर जो है मैंने बहुत सारे अपडेट्स दिए, बस वही अपडेट मैंने जो है वहाँ पर दिया है। सो रियांश इसमें मजा रहेगा यानी। सो गाइस, इस वीडियो पर जो है इसमें मजा 3 से रिलेटेड अपडेट मिलेगा। सो अभी जो है हेली शाह अभी कहाँ पर है मैंने आप लोग बता दिया मेरे अगले वीडियो पर जाके, अगर नहीं देखा है तो देख लो। सो हेली शाह अभी जो है जहाँ पर भी है, सो वो जो है अभी फ़ोटोशूट कर रही होंगी, उन्होंने फ़ोटोशूट का मतलब फ़ोटो जो है पोस्ट किया है। सो इसमें मैं जो हूँ सीज़न 3 जो है अभी ममता मैम नहीं लाने वाली है। कम से कम अभी आप लोग जो है थपकी प्यार की शो को भी देख सकते हैं, थपकी प्यार की सीज़न 2 का बस, और बस यही अपडेट आया है कि वो आएगा। आएगा क्या क्या कहा मैंने गाइस, आएगा यही कहा ना। सो अभी तक प्रोमो आया है या फिर कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, वो रिप्लेस करके आएगा ना किसी ना किसी शो को। तो अभी जो है सब शो कौन कौन से शो ऑफियर होने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो पहले तो ऑफियर होने वाला है छोटी सदानी शो, इसमें मैं जाऊँ तो ऑफियर हो चुका है। तो हमारे इसमें मैं जाऊँ सीज़न 3 कोई ना कोई शो को जो है वो जो है रिप्लेस करके आएगा। और गाइस, उडारिया की TRP जो अच्छी नहीं आ रही है, उडारिया शो जो है वो जल्दी ऑफियर होने वाला है। ये जो है मतलब ज़्यादा बिजट वाली गुड न्यूज़ नहीं है, एक 1 वीक TRP अच्छी नहीं है, तो उसके बाद वीक जो है आ सकती है अच्छी TRP। तो हम लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उडारिया को सपोर्ट नहीं करना है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वंश रिद्धमा को, रियांश को, हेलीशा, राहुल सिद्धि, रियांश, उसके बाद इसमें मैं जो हूँ सीज़न 2 को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करना है, ज्वाइन करना है, इन्जॉय करना है, और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दीजिए, और रियांश को भी, हेलीशा और राहुल सिद्धि के इतने सब मतलब आप लोग इंस्टाग्राम पर ही देख सकते हैं, उनके जो इतने सारे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, हेलीशा के 3 मिलियन है, मतलब 3 करोड़ फॉलोअर्स आप लोग देख सकते हैं। तो इतने फॉलोअर्स आप वोट्स नहीं कर सकते क्या, 3 मिलियन फॉलोअर्स है तो 3 मिलियन वोट्स नहीं आ सकते क्या, 3 मिलियन से भी ज़्यादा है,
3 मिलियन ही पकड़ते हैं, 3 मिलियन वोट्स ही नहीं जा सकती रियांश के हैशटैग में। कितना ज़्यादा फॉलोइंग है, कितना ज़्यादा पोस्ट को छोड़िए सो फॉलोइंग, जितने लोगों ने रियांश के हैशटैग रियांश को जो है फॉलो करके रखा है, वो लोग के रियांश को वोट नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं बट नहीं करेंगे। तो इश्क में हैशटैग इश्क में मर जाओ कितने लोगों ने मतलब फॉलो करके रखा है, बहुत लोगों ने करके रखा है, बट कोई वोट करता है? करता है गाइस? नहीं करता है। तो फैंस को जो है ना मतलब कैसे अजीब सी है ममता मामसी, वो अभी वो जो है नाराज़ है, वोट करने से कुछ नहीं होगा, जो जीतने वाला रहेगा वही जीतेगा, बट वोट करने से तो जीतेगा ना। अश्मोनो जो को जितना हो तो वोट से ही जीतेगा, और वोट नहीं मिलेगा तो कहाँ से जीतेगा? नसीब जिसकी अच्छी है अच्छी है भाई, जिसकी नहीं है नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सो और राहुल सिद्धि के भी अच्छे खासे फॉलोवर है, बट वो लोग के इतने फॉलोवर के इतना कमेंट कर रहे हैं, एक ही मतलब 10-15 लोग हैं, वो लोग ही हर दिन जो है कमेंट करते हैं। सो वोटिंग लाइन्स जो है अभी क्लोज नहीं हुई। अश्मोनो जो सीजन 2 को अगर बेस्ट शो ऑफ द ईयर का 2021 का अगर मिल गया अवार्ड, तो चलो पक्की आप लोग जो है पक्का लगा लो इश्क मामा जो सीज़न 3 पक्का है, और 6 मंथ में तो आ जाएगा, क्योंकि एक शो को जो रिप्लेस करके आना, ये वो स्टोरी प्रोड्यूसर मेकर जो भी हो मतलब सब कुछ सेट डिज़ाइन सेट ये वो सब कुछ एक्टर एक्ट्रेस कास्ट सब कुछ जो है एकदम हो जाएगा 6 मंथ में, और 6 मंथ में कोई ना कोई शो जो है अपेयर हो जाएगा कलर्स का। सो हमें हम लोग को जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है, बस बस इंतज़ार करो यार गाइस, सब लोग जो है इंतज़ार करो। और यह आप एक इम्पॉर्टेंट वाली मैं बात जो है मैं इस पर ही बोलने वाली हूँ। सो इश्क मामा जो सीज़न 3 तो आएगा, और रियांश के साथ ही आएगा पक्का। सो आएगा, अगर रियांश के साथ आप लोग को इश्क मामा जो सीज़न 3 चाहिए सो मेरे चैनल को भी थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका अपडेट्स मैं दूंगी। और अगर आप लोग को रियांश चाहिए इश्क मामा जो सीज़न 3 में, सो आप लोग को मैं बोल रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ, ये बात मानोगे तो ज़रूर आएगी रियांश विथ इश्क मामा जो सीज़न 3 विथ रियांश ही आएगी, विदाउट रियांश नहीं आएगी। सो मेरी बात मानोगे तो होगा। सो आप लोग जो यूट्यूब पे जो मैं तो फेसबुक नहीं चलाती हूँ, मैं ट्विटर भी नहीं चलाती हूँ, तो जो जो लोग सारे के सारे सोशल मीडियाज को एक्टिव रहते हैं चलाते हैं, तो वोट करो हेलीशा को, राहुल सिद्धिक हेलीशा को अगर वोट करोगे तो अच्छा होगा। सो हेलीशा को भी करो, राहुल सिद्धिक को भी करो, और रियांश को तो पक्का करना ही पड़ेगा, रियांश को ज़्यादा वोट्स करो, हेलीशा और राहुल सिद्धिक को भी करो, जो पर जितना सको उतना ही करो, और रियांश को सबसे ज़्यादा करो, इश्क मामा जो सीज़न 2 को सबसे ज़्यादा करो फेसबुक ट्विटर उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो इश्क मामा जो को, और हम लोग रियांश को वोट कर सकते हैं, और हेली और राहुल को मतलब हेलेशा को और राहुल सिद्धिक को हम लोग जो है यूट्यूब इंस्टाग्राम मतलब जहाँ पर भी हम लोग वोट कर सकते हैं, बट रियांश और इश्क मामा जो सीज़न 2 को हम लोग ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग जो है वोट कर सकते हैं। तो यही था बस अपडेट, आप लोग कैसा करोगे तो विथ रियांश तो एकदम पक्का है। सो मेरे अगले वीडियो में जो आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, आज जो है मैं बहुत सारे अपडेट्स डालूंगी, और आज जो है बहुत सारे अपडेट्स आएंगे मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस वीडियो का यहीं पर बस एंड होता है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है मुझको, सो इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। सो या गाइस वीडियो चैनल पर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।